हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन डी। आज जो क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे वो झारखंड बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग हल करके देखिए और वीडियोस को लास्ट तक देखना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। आज प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन अब देखते हैं। ठीक, पहले कैसे बनाना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवा देते। देखो यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है इसमें, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है बताओ, 8670 है ना, और उसका क्या दिया है, 900 दिया हुआ है। तो हमको एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाता है बताओ, तो गुणनफल प्रोडक्ट, दोनों संख्या का गुणनफल डायरेक्ट इतना ही, गुणनफल और बटा यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एचसीएफ लिख लेंगे, और इक्वल टू यानी गुणनफल है कितना यहाँ पर 8670 और बटा यहाँ पर 17, इसको कटा देना है 500 और एक बार में, यानी कि कितना हो गया, ये 510 हो जाएगा आंसर इसका। सबका रहा है, दिक्कत। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, देखो इस पर कुछ कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पर समझ लो, जो जो भूल गया एक बार देख लो, और तुम लोग यदि जो नहीं जानता उसको देखेगा ना। देखो यहाँ पर बढ़िया से देखना, देखो कैसे बताए थे, 0.2 और यहाँ पर ऐसे रहता था ना, लेंथ ऑफ बार इसको बोलते हैं, है ना, लेंथ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ पीरियड बोलते हैं। देखो इसमें करना क्या होता है, देखो सबसे आसान तरीका बताते हैं, यह है कितना, दो लिख देना ऊपर, दो लिख देना जितना ऊपर, ये मतलब जिस मतलब क्या बोलेंगे, जितना अंक में क्या है उसमें ये जो पीरियड लगा हुआ है ना, उतना पीछे नीचे नौ लगा देना। देखो नीचे नौ कर दिए, समझ गया, एक तो ये हो गया आंसर। देखो दो तैयार को बनवाते हैं, ठीक, जो कैसे करना, मान लो क्या यहाँ पर रहेगा ऐसे करके 0.45 और यहाँ पर ऐसे करके दे देगा, अब क्या करना है, तो देखो कैसे करना है, देखो अब अभी क्या बताए, देखो ये पूरे नंबर को ऊपर लिख लो, समझा, देखो कितना आसान, 45 लिख लिया। अब जिसके ऊपर में वो जो डंडा है ना, वो डंडा नहीं ले तो उसमें क्या करना, उसको पहले माइनस कर लो, क्या कर दिया माइनस, और बटा जितना संख्या पर ये लेंथ ऑफ पीरियड 1.9 लगा दो, और जिस पर नहीं है वो 0 लगा दो। क्या क्या बोल रहे, देखो सबसे आसान तरीका, पहले नंबर लिख लेना, जितना जिस नंबर के ऊपर में क्या नहीं है, जो पीरियड पीरियड नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर देना, ठीक, और फिर बाय में क्या लिखना है, बाय में देखो जिस पर लेंथ जो मतलब लाइन वाला है वहां पर नौ लिखना उतना, और जहां पर नहीं है उसके लिए 0 लगा देना, और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा कितना, 90 आंसर हो गया। तो यही तो क्वेश्चन यहाँ पर भी है तुम लोग का, देखो यहाँ पर कैसे करना, 0.32 डंडा है ना, देखो कैसे करेगा, यहाँ पर पहले 32 माइनस 3 बटा 0 माइनस 29 इसको टिक कर लेना, आ गया उसमें। एक और समझ लो यहाँ पर कैसे बनाना है, तीसरा नंबर में देखो, मान लो क्या ऐसे करके रहता है, आपको कैसे करेंगे, 3 पॉइंट दे दिया और 2 3 पर दे देगा जैसे 5 और ऐसे दे दिया। अब बनाओ, देखो कैसे करना, देखो ये होल नंबर में है ना, होल नंबर बनाए तो 3 प्लस पर इस पूरे नंबर को लिख लो, 235 माइनस लिख दिया, माइनस पर क्या है, माइनस था इसमें नहीं है ना, उसको माइनस कर देना, 900 के एक के लिए तो 9 हो गया, इसमें नहीं है वो, समझा, देखो 3 प्लस इसको माइनस कर देना, 212 हो गया, 90 हो गया, अब इसको सटा देना, आंसर आ जाएगा 3 और 3 212 990 इतना कर देना, कर पाएगा। चलो आ जाओ नीचे, देखो क्वेश्चन क्या है, देखो यदि अल्फा और बीटा है ना बहुपद इसका दिया है कि शून्य है, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, समझ में आया, पहले जिसका वैल्यू निकालना है ना, तो उसको पहले लिख लो, 1/α + 1/β का वैल्यू निकालना है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पर क्या होता है, माइनस बी बाय ए
अब बटा सी बाय ए कट गया माइनस बी बाय सी हो गया। अब बी पता नहीं क्या होता है, यानी कि एक्स का बी हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर माइनस दो बटा वन सॉल्व करेगा माइनस टू आंसर टिक करना। समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्या समीकरणों का क्या करना है, पता करना कि हल कितना है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, सबका रेशियो निकाल लो। देखो समझो कैसे कर लेते, ए वन बाय ए टू निकालना है, समझ गए। अब इसका ए वन कितना हो जाएगा, टू बाय फोर हो जाएगा, इसको हटा दो वन बाय टू हो गया, कोई दिक्कत आता नहीं। अब फिर क्या करना है, कॉमन लगा लेते हैं, बी वन बाय बी टू निकाल लेते हैं, कितना हो गया माइनस फाइव। देखो ये माइनस थ्री बाय फाइव, देखो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर नहीं है, नहीं है। देखो ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, बताओ यहाँ पर क्या बताए इसे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं। नाम देखना, द्वितीय तरह से पूछेगा, एक हल, केवल एक हल, अद्वितीय हल, तो सब एक ही है। और हिंदी वाला इंग्लिश वाला में याद रखना यूनिक सॉल्यूशन, खत्म सॉल्यूशन, समझ गया। चलो अब याद रखना यहाँ पर क्या, और कुछ बताओ तो लाइन लाइन कैसा होगा, चलो तो इसका एक हल होगा हाँ, और क्या बोलेगा संगत। चलो सारा पॉइंट लिख दिए, समझ में आए। चलो देखो कुछ रिवीजन हुआ यहाँ से, उदाहरण उदाहरण नंबर फाइव नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, एपी का एक क्वेश्चन है दिया गया, बोल रहा है कौन सा पद कितना है, 88 होगा है ना। समझाना पहले कैसे करना है, इसमें बताओ तो ए कितना है, प्रथम पद कितना हो गया, एक हो गया, डी बता दो, ऐसे करके निकाला जाता है ना, तीन हो गया, ये जो 88 है ये किसका वैल्यू होगा, ए एन का, किसका वैल्यू है ये, ए एन का वैल्यू दे दिया तुमको कितना 88। हमको क्या पता करना है, नंबर पता करना है ना, कितना संख्या, एन का वैल्यू पता करना है, जो दिया रहता है ना उसी का फॉर्मूला लगाना है, वो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, कितना जाएगा बताओ, ए प्लस एन माइनस वन बाय डी, इसी का वैल्यू कितना लिख देते हैं, 88 लिख दो, अब वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा, समझा। देखो यहाँ ए का वैल्यू रख दो कितना हो जाएगा, वन प्लस एन का वैल्यू निकालना है ना, एन माइनस वन, और यहाँ पर डी कितना हो जाएगा, थ्री इक्वल टू 88 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये वन है, वन को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 87 हो जाएगा, और 3 से फिर इसको डिवाइड कर देना, करने का मतलब क्या हो गया, एन माइनस वन और 87 बाय 3 हो जाएगा, इसको घटा देंगे कितना जाएगा, 29। एन माइनस वन इक्वल टू 29 हो गया, और एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा आंसर, समझ में। अरे ये इधर आकर हो जाएगा, इसके साथ जुट जाएगा ये, समझ में आ गया, हो पाएगा, सबका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्या क्वेश्चन होगा, दो अंकों की कितनी संख्या है जो तीन से क्या है विभाज्य, कितना संख्या है जो तीन से विभाज्य हो जाएगा, दो अंक का संख्या पता करना है। देखो कैसे क्या पता करना है, देखो पहले दो अंक का संख्या शुरू कहाँ से होता है, 10 से शुरू होता है, देखो होता है कहाँ से, देखो समझो पहले 10 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा, समझा। तो 10 तो 2 से विभाज्य नहीं लगता, मतलब 3 से, 3 से नहीं, 3 से विभाज्य नहीं है, करना क्या है, 3 से इसमें भाग कर, या तो तुमको 3, 11, 12 ऐसे देखते जाओ, 11, 12 ऐसा संख्या 12 है ना, तीन से विभाजित, तीन दो अंक का प्रथम जो है ना संख्या है जो 3 से 12 जो है ना, 3 से विभाज हो जाता है, इसका मतलब 3, 12 हो गया यहाँ पर, तो क्या लिखना है, 12 से शुरू हो जाएगा, 12 तो क्या हो जाएगा ये 12, 15, 18, 12 3 जोड़ते जाओ, ऐसे ऐसे चलते जाएगा 99 का जाएगा, और जो कि ये किस में है, ये एपी में रहना है, एपी। अब क्या करना है इसमें, ए निकालना है, ये तो दिया है, डी भी निकालना है, दिया है, अच्छा डी नहीं दिया, डी दिया, चलो डी दिया ना, चलो डी कितना है, 12, 15 माइनस 12 कर देंगे कितना हो जाएगा, 3 a n 99 फॉर्मूला लगाना है, n का फॉर्मूला लगाना है, तो n का फॉर्मूला लगाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इनटू डी, इसे करना है, जो इसके बराबर हो जाएगा 99 के बराबर हो जाएगा,
कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पर समझना कैसे करना है। एक का वैल्यू लगा दो, एक बारह, देखो यहाँ पर बारह प्लस एन माइनस वन टू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तीन। थ्री हो जाएगा इक्वल टू नाइन। इक्वल टू नाइनटी नाइन। इसको अब बारह इसमें माइनस कर देना, एट्टी सेवन हो जाएगा एन माइनस वन और ये तीन हो गया उनतीस प्लस एक का मतलब क्या वो संख्या है टोटल? तीस टू संख्या ऐसा है जो की किससे जाएगा? तीन से विभाज्य हो जाएगा। समझ में आए? कर लेगा। चलो आगे देखो, अभी इसको देखो सम पता करना है। ठीक, पहले अगर हम तीन से कटा देते हैं? नहीं पहले नहीं करते, पहले इसको माइनस को उधर ले जाओ तब कटा करना है। समझा? पहले नहीं कटाना है, पहले फैक्टर फैक्टर का काम कब होता है? बाद में होता है। पहले प्लस 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 माइनस वाला उधर ले जाओ तब इसके बाद करना, ये गलती मत कर लेना। समझा? चलो तो ठीक किया है, गलती किया है तो यहाँ पर अच्छा बात है। चलो देखो यहाँ पे समझना, अब ये वाला पहले बताते इसके बाद इसको बता देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा स्पेस ले लेगा। ये वाला ध्यान रखना कितना आसान है, ऊपर वाला मिटा दें। हाँ चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक तो इसको उधर बना देते हैं ऊपर में। चलो देखो यहाँ पर देखो ये ना एक्चुअल में ये एपी में है, इसमें एपी में, एपी में। तो जब एपी में है तो इसको क्या कर लो, ए बराबर चौतीस और डी बराबर कितना आ जाएगा? बत्तीस माइनस चौंतीस कर लेगा माइनस दो, तो माइनस दो ए एन दिया हुआ और ए एन भी दिया है। लास्ट टर्म कितना दिया है? दस दिया हुआ, ए एन निकालेंगे। अरे समझ में आए कोई दिक्कत? तो इतना पहले एन पता करना है ना, समझो पहले समझ। देखो यहाँ पर तो ए एन का फॉर्मूला लगा देना है, पहले क्या आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू लास्ट टर्म कितना कैसे हो गया? चलो निकाल लो पहले, ए का वैल्यू कितना जाएगा? चौंतीस। चौंतीस प्लस एन माइनस वन डी का वैल्यू माइनस दो हो गया बराबर दस हो जाएगा। इसके अंदर इसको इधर करना है, माइनस हो जाएगा माइनस चौबीस, माइनस चौबीस कितना जाएगा? माइनस चौबीस बारह, माइनस भी कट जाएगा बारह, बारह 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 में कट गया ना, तो एन माइनस वन बराबर बारह हो गया। रुक जाओ, एन माइनस बराबर कितना जाएगा? तेरह हो गया, एन बराबर तेरह हो गया। अब हमको क्या निकालना? एस एन निकालना है। एस एन बराबर जानता है? एन बटा टू, एन बटा टू, ए प्लस ए प्लस ए इंटू ए प्लस एन। हाँ ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा, सबसे आसान तरीका हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या, तेरह बटा दो, तेरह बटा दो लेना है, चौतीस है ना, चौवालीस चौवालीस बाईस देखो चलिए कि तेरह गुना दो गुना बटा चौवालीस चौवालीस कर लेना, बाईस बाईस तेरह छब्बीस छब्बीस तेरह गुना बाईस कर लेना छब्बीस देखो कैसे आप समझना ये वाला को ना। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले ना इसमें सिमिलरिटी लगाना, मतलब समरूपता, पहले चेक करो कि ये समरूप त्रिभुज है या नहीं। समझे? त्रिभुज का जानता है क्या करना पड़ता है? रेशियो निकालना पड़ता है। यदि रेशियो दोनों सब बराबर हो गया तो बोलना क्या ये समरूप है, और यदि समरूप है तो ट्रायंगल का नाम लिखने में सब गलती करता है। वही नाम लिखने के लिए यहाँ पर दिया है कि आप किसमें टिक कीजिएगा, दोनों बोर्ड में आएगा ये क्वेश्चन, तो बढ़िया से समझना ये वाला। देखो कैसे करना है, सबसे पहले करना क्या है, देखो क्या कोई मतलब साइड वाइड दिख रहा है तुम लोग को? रेशियो बराबर आ रहा है कहाँ से? देखो पॉइंट बड़ा अड़तीस है, ऐसे करके ले लो। देखो ए बी, हाँ देखो ए बी बाय आर आर क्यूब ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत रहे? कितना हो जाएगा यहाँ पर? अड़तीस यानी कि 3.8 और 7.1 मतलब कटा देंगे 1/2 आ जाता है। अरे इसके बाद फिर देखो सी बराबर, देखो ए बी लिया था ना, अरे बी सी बराबर
ए भी लिया था, बी सी ले लो, पी क्यू, बी सी, अब देखो यहाँ पर छः है तो छः बने, ये वाला ले लेंगे, पी क्यू हो जाएगा, बताओ कितना जाएगा यहाँ पर, टू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिक्स बाई ट्वेल्व, इसको भी कटाएगा, वन बाई टू आ रहा है, फिर बता दो, अच्छा रहने दो ना, पी आर क्यू आर कुछ भी लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझा, पी आर लिखो, आर पी लिखो, कहीं कुछ नहीं है, अब यहाँ पर पहले कर लो, कितना हो जाएगा, मतलब तीन रोड, ये हो जाएगा, अब बटा छः रोड, ये कट जाएगा, इसको हटाएगा, मतलब रेशियो देखो बराबर आए, यदि रेशियो दोनों का बराबर हो गया साइड का, ये तो पक्का सिमिलर तो होगा ही, ट्रायंगल सिमिलर है, अब नाम में गलती करेगा, क्राइटेरिया में गलती करेगा, है ना, देखो सिमिलर तो होगा ही, अब देखो नेम कैसे करना है इसको, देखो पहले करना क्या है, एक ट्रायंगल पर लिख लो, ये वाला पर लिख लो, पहले कोई एक ट्रायंगल का नाम पूरा लिख लेना, ए बी सी लिख लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, या तो फिर बोलेगा सर यहाँ पर भी हमको गलती हो गया, तो एक रेशियो के ऊपर उठाओ तुम, एक और रेशियो किसी को उठा लो, ए बी और एक छोटा है सी, तो सी लिख लो, समझा, सिमिलर है, सिमिलर का ऐसे कर, सिमिलरिटी में चेक करना, नीचे से हाँ बढ़िया से, ऐसे में गलती मत कर लेना, समझा, ये हो जाता है, ये वाला मैं ठीक करना, समझा, चलो अब देखो आ जाओ, अब ये वाला ए बी वाला यहाँ पर था ना, आर क्यू लिख लेना, आर क्यू पी, आर क्यू लिखना, छोटा क्या है इसमें, ये वाला में देखो क्या छोटा, क्यू पी लिख दिया, पी छोटा था, पी लिख दिया, समझा, अब करके देखो चेक कर लेना, कैसे चेक करना है, देखो पहले यहाँ पर देखो ए बी था, ए बी था ना यहाँ, देखो ए बी आर क्यू, देखो ए बी आर क्यू होगा, फिर देखो यहाँ पर आधा बी सी, यहाँ पर ये वाला होना चाहिए क्यू पी होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या बी सी और क्यू पी है ना, अरे क्यू इधर देखो, या इधर देखो, एकदम सही है, अब देखो नेक्स्ट एसी, हाँ अब यहाँ से एसी आना चाहिए, आरपी, एसी और आरपी वाला हो गया, ये वाला समझ में आए, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये याद रखना है, अब बताओ इसका क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल, साइड साइड साइड, हाँ एस एस एस, ध्यान रखना ये, तो दो ये भी क्वेश्चन पूछता है और ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्राइटेरिया भी क्वेश्चन पूछता है, बताइए क्राइटेरिया क्या है, और फिर या तो किस तरह लिखना है, दोनों में टिक करना है, ठीक कर लेगा, ये वाला उतारो, देखो कौन कौन नहीं बनाया था, फटाफट उतारो, इसके बाद इसको बताते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, लेट नहीं करना है, देखो कैसे करना है, ये वाला का भी देखो, सब देखो यहाँ पर, देखो पहले उनको एक बार पहले ऐसे मतलब देख लेना है, कैसे कैसे क्या करना है, देखो ए बी है ना यहाँ पे, ए बी बाएं करना है, बराबर नहीं, ए बी बटा कितना लेना है, पी क्यू लेना, देखो ए बी बाएं पी क्यू लेना है, ए बी बराबर कितना, दो, इसको कटाएगा, दो आंसर आ जाता है, पता है ना, फिर ले लो ये बोला बी सी ले लो, बी सी बाय कितना हो जाएगा, क्यू आर है ना, अरे यहाँ पाँच है, यहाँ इसको कटाएगा दो बार में नहीं आ जाएगा, एकदम आएगा, फिर क्या है, ए सी है और उसका ले लो पी आर कितना हो जाएगा, छः बाय तीन, इसको कटा देना कितना हो जाएगा, दो, रेशियो बराबर आया, जब रेशियो बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे, सिमिलर है ट्रायंगल, नेम लिखना है, देखो कैसे ट्रायंगल का नाम लिखना है, ट्रायंगल पहले ये वाला लिख लो, ए बी सी लिख देना, ठीक, और फिर सिमिलर ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल अब इसका नाम कैसे लिख देना, पी क्यू लिख देना, पहले पी क्यू लिख दो, छोटा क्या आर, छोटा बाद आर लिखना है, समझ गया, क्राइटेरिया क्या हो जाएगा इसका, एस एस एस, ये भी तो दोनों क्वेश्चन पूछेगा किससे ये है, किस क्राइटेरिया से है, और इसका बताओ ऐसे नाम लिखना है, समझ गया, देखो नाम में कैसे कैसे करता है, यहाँ पर गलती एक दो को देते हैं, कैसे कैसे लिखना है, देखो ए बी सी है, सिमिलर ट्रायंगल दे देगा, हाँ ट्रायंगल आर पी क्यू दे देगा, ऐसे करके दे देगा, समझ गया, तो ये तो लगेगा क्या, ये आर पी क्यू है, ये है ना, आर पी क्यू है, यहीं का डेटा दिया है ना ये, लेकिन ये गलत है, क्या है ये गलत है, समझा, ये गलत है, ये सही है, ऐसे करके ध्यान रखना, ठीक चलो तो उतार लो, समझो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कितने नंबर आ गए हम लोग, उधर पाँच तक गया था, सात तक गया था, अब नेक्स्ट देखो आगे का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्या ये वाला थ्योरम पढ़ा था तुम लोग, अप्रूव करवाए थे, कैसे करना था, ये वाला देखो ऐसे करके बताया था, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना था, रचना करके करना था,
यहाँ पर थेलस्टोरम लगता है ना, थेलस्टोरम में देखो मान लो क्या यहाँ पर तुम क्या लिख देते हैं, ई लिख देते हैं, तो ये वाला पहले इस ये वाला ट्रायंगल में देखना है और फिर ये वाला ट्रायंगल में देखना है, तो दोनों में थेलस्टोरम लगा कर देखना, इसके बाद कितना आ जाता है देखो ऐसे करके लिखा जाता है इसमें ए ओ, यहाँ से जाता है ए ओ बाय बाय लिखना ओसी आ जाता है इक्वल टू इधर से जाना बी ओ बाय ओ डी आ जाता है, समझा। तो अब देख लेते किसका किसका वैल्यू दिया है यहाँ पे, समझो ए ओ कितना दिया 3x-90 बाय ओ सी कितना दिया है, ये बोला है x-5 इक्वल टू बी ओ कितना देखो तो वहाँ है x-3 बाय ओ डी ओडी दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, समझ में। ये प्रूव करवानी है तुम लोग को, समझा। अब इसको तो ध्यान रखना पड़ेगा, समझा। कैसे ध्यान रखेगा देखो, ऐसे जाना ऐसे ये बड़ा इतना बटा इतना करना है, समझा। सिंपल से बात है ए ओ बाय ओ सी देना है और बी ओ बाय ओडी देना है, समझा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आपको पास हो जाएगा। देखो कैसे करना है, ये वाला ऐसे करना है, ये वाला ऐसे करना है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा देखो x-5 यहाँ पर भी थोड़ा सा बताएंगे तरीका अभी, और यहाँ 3 = यहाँ से मल्टीप्लाई करना है कितना हो जाएगा 9x है ना, और -57 कहाँ से आ रहा है ये सब समझ में आया। और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना वहाँ पर आ गया ये तरीका। चलो अब यहाँ पर इस बनाना है, इसका आंसर कितना हो जाएगा देखो, पहले x ले लेंगे। देखो x² हो जाता है, मल्टीप्लाई करेगा ना, देखो कैसे करना है x² हो गया, जीरो से इसका क्या आएगा बताओ तो। मान लो क्या तुम इसका जीरो से निकालता दोनों आता कितना आएगा, देखो 5 आता है 3 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करना है कितना सा, तो जीरो में क्या करना पड़ता है माइनस पहले और दोनों का जोड़ 8 x और फिर क्या करना है गुणा करना है, गुणा करना है ना, दोनों को गुणा करके प्लस कर दो 15 आ जाएगा, जो सॉल्व करेगा ना इतना आंसर आने वाला है इक्वल टू 9x-57। कोई दिक्कत, चलो इसको इधर कर दो, क्या हो जाएगा x² - इसको इधर लाएंगे तो माइनस फिट हो जाएगा, कितना जाएगा टोटल यहाँ 17x और इसको लाएगा इधर प्लस हो जाएगा, जोड़ेगा कितना जाएगा तो 72 आएगा, कितना हो जाएगा 72, 9×8=72 आ रहा, 9×8=72। देखो x का वैल्यू निकालना है ना हमको, देखो एक तरीका यहाँ पर भी ध्यान रखना, देखो 9 हो गया और 8 हो गया, अरे हो गया ना 9×8=17 भी हो गया, 9×8=72 हो गया, सब समझ रहे हैं यहाँ पर क्या करना है यहाँ पे बताओ हमको, तो दोनों में माइनस देना है तभी तो ये जुट माइनस, तो पहले तो माइनस देगा और फिर बराबर इधर जाएगा बराबर, मतलब ऐसे कर लो, देख लो छोड़ दो नहीं जानता है तो, देखो कैसे करना है x² रखेगा -9x-8x+72 बराबर कितना हो गया 0 कर लो, x-9 आएगा -8 ले लेगा कॉमन, तो x-9=0 x-9 और यहाँ x-8=0 हो गया, x का वैल्यू कितना आएगा 2 वो आएगा इसमें, समझा। 9 तो x का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया और 8 हो गया। अब इसमें ऑप्शन देखना है कि इसमें वैल्यू किसका दिया है, समझा। एक तो दोनों में से एक तो कौन रहेगा, समझा। 8 दिया रहेगा 8 में टिक करना, 9 दिया रहेगा तो 9 में टिक करना, यदि बहुत दिया रहेगा 9 और 8 दोनों तो दोनों में टिक करना, समझ में आई। जल्दी उतारो इसको, सॉल्व करो फटाफट, जल्दी सॉल्व करो, लेट नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले सीखना है हमको नीचे वाला तो क्वेश्चन, समझा। इसमें कॉन्सेप्ट बताए, हाँ ये वाला भी सीखो बहुत, मतलब ये थोड़ा सा इजी है, इसमें कॉन्सेप्ट ये भी इजी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है इसमें। देखो यहाँ पर ये है क्या बता दो, थोड़ा फोटो क्या है, देखो ये क्वेश्चन कहाँ से है, देखो एक क्वेश्चन होगा तुम लोग का एनसीईआरटी में घोड़ा वाला जो क्वेश्चन है ना, कि घोड़ा हाँ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब 7 सेंटीमीटर का रस्सी है, घोड़ा को इसे बांध दिया है, कितना क्षेत्रफल चरेगा वो घास, कितना क्षेत्रफल चरेगा, वही वाला का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये आयत है, आयत है तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का, देखो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना डिस्टेंस, तो ये त्रिज्या हो जाएगा इसका, क्या कहलाएगा ये त्रिज्या होगा, समझ में आए। चलो तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया, और आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया,
समझा। अब बताओ यहाँ पर क्या निकालना है, इसका हमको एरिया निकालना है, एरिया निकालना है ना, तो एरिया निकाल दो, बोल दो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 कर लेना डिग्री। दिक्कत? चलो देखो, यदि तुम लोग को याद है यदि सात रहता आर बराबर सात है, पाई आर का वैल्यू कितना जाएगा, 154 होता, 154 गुना कितना चार आएगा। अब इसको डिवाइड कर देना है तो कितना बार में, तीन बार में तो हो गया कितना, 8 बार। इसको ध्यान में रखना है, देखो क्या पहले थोड़ा सा समझो पूरा दोनों क्वेश्चन। देख ये वाला क्वेश्चन ना एक्चुअल में हुआ क्या, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ देखो एक ट्रायंगल ऐसे करके है और यहाँ पर ऐसे करके दे देगा क्या, मान लो क्या ए बी सी कोई ट्रायंगल है और डी और ई बोल देगा कि ये दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है समांतर दे देगा, क्या दे दिया यहाँ पर समांतर। तो देखो यहाँ पर दो तीन बात याद रखना, एक नंबर क्या याद रखना है, दोनों इसका आधा ले लो, यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ आधा लेना है, तो बताओ ए बी बाय डी बी ले लो और इक्वल टू यहाँ से ले लो ए ई बाय ई सी ले लो, फिर तो ये याद रखना, समझ में आया। सेकेंड नंबर देखो कैसे याद कर ले, देखो अब बताओ ये वाला जो है ना, ये जो साइड है ये छोटा वाला ट्रायंगल का, देखो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये छोटा वाला ट्रायंगल के लिए बेस का काम कर रहा है, कर रहा है ना, ये छोटा वाला ट्रायंगल के लिए बेस का काम कर रहा है। तो ध्यान रखना देखो, यदि तुम छोटा वाला ट्रायंगल का एक वो हाथ लेगा, हाँ एक छोटा वाला ट्रायंगल का हाथ लिया तो बड़ा वाला ट्रायंगल का हाथ पूरा तुमको ले, समझा, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो फिर देखो यहाँ पर अब क्या लेना है इसका, यदि तुम ऐसे करके एक ये वाला यानी कि हम पैर ले रहे हैं इसका, क्या ले रहे हैं इसका पैर ले रहे हैं, छोटा वाला ट्रायंगल का पैर लिए, पैर को समझा, पैर लिए तो बड़ा वाला ट्रायंगल का भी पैर ले, समझ में आए। तो देखो कैसे करना है इसको बता दो, छोटा वाला पहले लिख लो, देखो ए डी ए डी बाय ऐसे करके समझ, दिक्कत नहीं समझा, पहले तुमको देखो साइड का पहले रेशियो साइड टू साइड लेगा कि साइड और पैर का लेगा, साइड टू साइड लेगा ना, तो यही तो लेगा, ये वाला साइड और पूरे साइड लेगा, समझा। तो ए बी बाय ए बी लेना है इक्वल टू, अब दोनों का पैर और पैर लेना है, तो अब समझ में आया, हाँ ऐसे करके रेशियो होता है, ध्यान रखना ये कृपाएगा, तो इसको ध्यान रखना किसी सवाल यही वाला से तुमको। देखो एक और सवाल है एनसीईआरटी में, एक लड़का खड़ा है तो उसका छाया वहाँ है ऐसे करके गया, यही कॉन्सेप्ट पर बनने वाला है, समझा ऐसे करके देखा ना इसको, ऐसे करके है यहाँ पर है, जब ये लड़का यहाँ पर खड़ा कर देगा तो इसका छाया से ऐसे करके एक लड़का यहाँ है तो छाया यहाँ पर गया है, यही वाला कॉन्सेप्ट से बनेगा ये क्वेश्चन, है ना, तो वो क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, तो ध्यान रखना ये वाला है। चलो देखो तो अब इससे बना सकता है, देखो कैसे करेगा, अब देखो यहाँ पर अब बनाओ इसको, देखो कितना एक्स बता इतना करना है, एक्स बटा ना 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 हाँ पूरे जाना है, देखो यहाँ से छोटा वाला लिया अब पूरा यहाँ से आता लेना है ना, एक्स प्लस तीन होना चाहिए, क्या हो जाएगा एक्स प्लस तीन हो गया इक्वल टू, अब ये वाला चार बटा छः लेना है, क्रॉस गुणा करना है आंसर आ जाएगा, चार से गुणा कर दो इसको, चार एक्स प्लस 12 और यहाँ पर 6x हो गया, ये वाला इधर कर देते हैं 2x बराबर कितना हो गया 12x बराबर 6 बोलो, समझ में आया सबको, हाँ।